हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों पेड़ पौधों का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन देने के साथ साथ फल फूल सब्जी लकड़ी सब हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से हमें फ़ायदा ही मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि पेड़ पौधे से हमेशा फ़ायदा ही मिले, कई ऐसे पेड़ पौधे बहुत ही ख़तरनाक भी होते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही अजीबोगरीब पेड़ के बारे में जानेंगे जो बेहद ही जहरीला होता है। दोस्तों अगर कभी बारिश से बचने के लिए आप इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो तो इसके पत्तों पर गिरने वाली बूंदें अगर आपकी बॉडी पर गिर जाएं तो उस जगह की स्किन जल जाती है। दोस्तों हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं उसका नाम है मैंशिनील। वैसे तो इस पेड़ का हर हिस्सा जहरीला होता है, लेकिन इसका फल उससे भी ज़्यादा जहरीला होता है। इसका फल देखने में छोटे साइज के सेब की तरह होता है। इस फल को सिर्फ टेस्ट भर करने से मौत भी हो सकती है, इसलिए इस फल को मौत का छोटा सेब भी कहा जाता है। दोस्तों ये पेड़ फ्लोरिडा और कैरेबियन समुद्र के तटों पर मिलता है और कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस पेड़ के करीब आ जाए तो उसके पूरे बॉडी पर छाले पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर उस पेड़ का कोई भी हिस्सा आँखों से टच हो जाए तो आँखों की रोशनी भी खत्म हो जाती है। तो ये पेड़ इंसान को अंधा भी बना सकता है, इसलिए कोई भी इंसान इस पेड़ के करीब ना जाए, इसके लिए चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं। दोस्तों साइंटिस्ट निकोला एच स्क्रिटलैंड बताते हैं कि एक बार वो और उनके दोस्त टोबैगो के कैरेबियन आइलैंड बीच पर गए थे और वहाँ उन्होंने इस पेड़ के फल को खा लिया था। फल खाने के कुछ ही देर बाद उनके पूरे बॉडी में जलन होने लगी और सूजन आ गई। हालांकि वक्त रहते उनका इलाज हो गया, उनकी जान बच गई। इसलिए दोस्तों कभी भी कहीं भी घूमने जाएं, आप इस तरह के फल को कभी भी टेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये फल देखने में काफ़ी लुभावने होते हैं लेकिन जान के काल बन जाते हैं। दोस्तों कई ऐसे जहरीले फल होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।